हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन से संबंधित जो मामला आज 5/8/2022 को सुना जाना था, उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ा बदलाव का मतलब यह है कि जो उम्मीद ईपीएस 95 पेंशनर्स लगाए थे कि आज उनके जो केस है, जो सुनवाई चल रही है 3 जजों के बेंच पे, उस पर सुनवाई हो जाएगी फाइनल और एक जजमेंट जो ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित है वो सामने निकल के आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक इसके विपरीत हुआ है। जिस बात का डर था वही हो गया है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि से संबंधित मामले को आज सुना गया और एक अगला डेट दे दिया गया है जो है 10/8/2022। इसमें आप साफ और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पेंडिंग मोशन हेयरिंग है, पार्ट मैटर्स है, लेसन ऑन 10/8/2022 को है, ऑर्डर डेट जो है तो 5/8/2022 का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1900 लिखा गया है, आगे लिखा है 3 जज बेंच मैटर, उसके आगे भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और जो बातें मुख्य रूप से थी यही थी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि से संबंधित जो मामला आज सुना जाना था या आज जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आने वाली थी, उसे अब 10/8/2022 तक ईपीएस 95 पेंशनर्स को इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि ईपीएस 95 पेंशनर्स काफ़ी ज़्यादा आज उम्मीद लगाए थे, अब उनके हाथ में निराशा लगी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आज दलीलें हुई हैं, इन दलीलों को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि से संबंधित मामले में रुकावट आ गई है। हालांकि ये जो है तो 10/8/2022 को अगले डेट को हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और यह मालूम भी हो जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के मैटर में आगे क्या कदम उठाया जा सकता है। पेंशनर्स ने काफ़ी ज़्यादा उम्मीद किए थे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि से संबंधित जो मामला आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें सुनवाई हो जाएगी, लेकिन ठीक उसके विपरीत हुआ है। ये सब आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया होगा। हालांकि ये जो पोस्ट है ये हमारे वीडियो के टाइमलाइन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी भरा यही है कि जो 67 केसेस थे जो इसी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशनर्स से संबंधित केसेस थे, उन केसों की भी सुनवाई इसी के साथ में होनी, यानी कि कुल मिला के 67 केसेस को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के मन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा निराशा भी देखने को मिली है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर्स काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए थे कि इस बार उनके हक में उनके हिसाब से फैसला हो जाएगा, ठीक इसके विपरीत हुआ और जो ईपीएस 95 पेंशनर्स उम्मीद लगाए थे वैसा नहीं हुआ। आशा और उम्मीद करते हैं कि 10/8/2022 को ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि से संबंधित मामला अच्छा देखने को मिले। बाकी दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलता हूं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।